पे ब्रजेशारी वीडियो आपका स्वागत है। आज आपको ऐसा एक्सीडेंट दिखाऊंगा कि भाई आपने सोचा भी नहीं होगा, जिस गाड़ी को अभी प्रेजेंट में 2023 के अंदर ग्लोबल एन किया, अपने जीरो स्टार दिया है, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, कैसा परफॉर्मेंस नहीं किया है, आज दिखाऊंगा सारी चीजें। फ्रेम में लाता हूँ इग्निस को। ये भाई इग्निस का कौन सा रेट आप लोग बताना, कौन सा जरूर कौन सा नहीं है, दिखाता हूँ पूरी गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, एक्शन हुआ कैसा, गाड़ी ने बिल्ड क्वालिटी अपनी कैसी निभाई है। देखो मारुति वालों को, देखो एक तरह से बताऊँ, दुनिया ही ट्रोल करती है, चाहे इनकी ऑल्टो ले लो, चाहे इनकी ब्रेजा ले लो, चाहे इनकी एस्क्रॉस ले, मतलब गाड़ी जितनी भी, अगर हाल ही सेफेस्ट गाड़ी की माने जाना भाई इनकी ब्रेजा है, एक अपनी ये वाली मान लो इग्निस, और अपनी एक जो अपनी एस्क्रॉस आती वो अपनी डिस्कंटिन्यू वो वाली मान लो, ठीक है। अभी लेटेस्ट में इनके पास दो ही गाड़ियां हैं प्रेजेंट में सेफेस्ट कार। तो अब बात कर रहे देखो एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट देखो ये बम्पर जो है ना भाई निकल के पूरा कर चुका है, देखो अलग से ये साला निकल चुका है, रेगुलेटर वगैरह सब टूट चुका है इसका, देखो यहाँ से। अब ये जो फ्रेम होती है ना भाई, इसने कैसा काम किया, देखो कितनी मजबूत है ये जो फ्रेम हालांकि कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन मजबूत बहुत है। अब इसकी पिलर की बात करता हूँ, जो इसका पिलर होता है ना भाई, लोअर पिलर होता है, ये देखो इसने कितना अपना काम किया भाई, 1% भी इंटैक्ट नहीं है इसके अंदर, देखो सीधा का सीधा है ये वाला। अब आदमी कहता है ना कि बिल्ड क्वालिटी मारुति की, हालांकि हार्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं है, इस वजह से गाड़ी बची हुई। अब देखो अलाइनमेंट खत्म तो टायर पूरे गंजे भाई, ऐसा लग रहा है टायर किसी ने घिसे हुए हैं ऐसे टायर, लेकिन पंचर आज भी नहीं हुए, MRF के टायर की गारंटी अपनी क्या बोलते तारीफ होनी चाहिए इस बात में। अलाइनमेंट बिल्कुल आउट हो चुका है, देखो अब सामने से दिखाता हूँ आपको साउंड डैमेज क्या क्या, इस तरफ से दिखाता हूँ, इस तरफ से आपको AC का पूरा कंप्रेसर टूट चुका है, देखो यहाँ से AC का पाइप यहाँ पे टूट चुका है, ये वाला जो पिलर है ना भाई इम्पैक्ट यहाँ पे लगा था और उस तरफ लगा था, लेकिन ये वाला पिलर अपना पूरा एग्जॉस्ट उन्होंने झेल लिया है, जो गाड़ी के अंदर क्रम्पल जोन कहते हैं ना भाई, क्रम्पल जोन गाड़ी के अंदर A1 निकले है, A1 भाई। देखो एक चीज बताऊँ मैं आपको, एक्सीडेंट हर एक सिचुएशन में होते हैं, हर एक सिचुएशन में कि बताया नहीं जाता है कैसे क्या एक्सीडेंट होते हैं। लाइट वगैरह आप देख सकते हो टूट डाट गई है देखो पूरी। अब दिखाता हूँ पीछे से कैसे क्या, आपको पीछे से बम्पर भी दिख रहा होगा, तो ये गाड़ी सामने से हिट हुई है और पीछे से हिट हुई है, देखो पीछे से मारी है ट्रैक्टर ने, और ट्रैक्टर ने मारने के बाद देखो ट्रैक्टर का लोहा कैसा होता है आप लोग भी जानते हो, देखो यहाँ पे गाड़ी लगी, यहाँ पे लगने के बाद ये पूरा अंदर घुस चुका था, घुसने के बाद में अब देखो ये वाला शीशा ऑब्वियसली जाने ही जाना है, आप भी जानते हो ये वाइपर अभी तक वही काम कर रहा है, देखो बम्पर का पार्ट अभी तक रखा हुआ है, बेचारा क्या करे। तो देखो ओवरऑल बात कर रहा हूँ भाई बिल्ड क्वालिटी की, तो इसने बिल्ड क्वालिटी जो 3 स्टार जो कहने वाली बात है भाई, 3 स्टार से अच्छा इसने 4 स्टार का काम किया है यहाँ पे। अब कई लोग मुझे कहेंगे भाई आपके पास खुद के पास इग्निस है या मारुति से पैसे लिए, भाई मारुति किसी की सगी नहीं है, ना मैं किसी का सगा हूँ, मैं आपको बताइए देखो UP 93 नंबर है वाला इस गाड़ी का, देख सकते हो आप एक बार है ना UP 93 ये चीज है। स्पेशली मैं इसी गाड़ी देखने आया था भाई, मिलने वाली गाड़ी है कि ये एक्शन हुआ कैसे, देखो एक बार अब देखो इसको, ये देखो क्योंकि नंबर मैं इसलिए छुपा रहा हूँ कि यार देखो प्राइवेसी हर एक चीज बंदे की होती है, इस वजह से ये देखो आप गाड़ी यार बिल्ड क्वालिटी इसको कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी होती कैसी है। अब देखो यहाँ से पूरा वाला टूट चुका है, इस वजह से अब अंदर से दिखाता हूँ, यार बैग खुला नहीं, और ये वाला जो डोर है ना देखो कैसे बचा हुआ है, देखो ये वाला डोर पूरा का पूरा बचा हुआ है, ना ये खुल रहा है ना खुल, अब देखो यहाँ से इतना इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन ना तो ये वाला शीशा डैमेज, ना ये शीशा डैमेज, और ना कि ये शीशा डैमेज। सामने ऐसे कोई बंदा अगर कह देना भाई ये वाली गाड़ी ट्रैक में जाके भिड़ी है, कोई भी बिलीव नहीं करेगा इस गाड़ी के लिए, क्यों ना तो ये गाड़ी ज़्यादा डैमेज लग रही है, ये लग रहा है भाई किसी गाय भैंस ने मारी है, तो गाय भैंस से इतना ही डैमेज होता है अभी जानते हो, दोनों पिलर इंटैक्ट है, बोनट इंटैक्ट है, और ना कि ज़्यादा ये वाला इंटैक्ट है, हालांकि ये नॉर्मल आपको बता ही देता हूँ, ना खोलना एक बार बोनट खोल देना, बोनट है ना, ये चीज़ है। यहाँ से अपना देखो ये वाला जो फेंडर है ना बिल्कुल इंटैक्ट है ये वाला, अब दिखाता हूँ यहाँ से देखो, अरे तू हट गया मेरा कोई काम, ये देखो इसका जो सामने वाला लोअर पिलर होता है ना A1 रखा हुआ है, देखो आप यहाँ से बॉडी डैमेज है, ये डैमेज है इंजन तक है ना भाई, 1% डैमेज नहीं बचा, देखो आप यहाँ तक ओनली ये जो रेगुलेटर है अपना साइलेंसर चिपका हुआ है, ओनली बहुत चिपका हुआ है सामने देख सकते हो एक बार आप, ये वाला है ना ये चिप इंजन तक और गियर बॉक्स तक भाई 1% भी डैमेज नहीं है, ना तो बोनट खुलने में दिक्कत है, देखो बोनट की लैच ये दोनों वाले दोनों लैच A1 रखे हुए, इस वजह से भाई मैं आज भी कहता हूँ मारुति गाड़ी अगर किसी को लेनी है ना भाई इग्निस एक बार ले लो और अपनी जान से हाथ नहीं धो गया। देखो अंदर से दिखाता हूँ एक बार, गेट ओपन हो रहा है A1, जो फेंडर है ये वाला भी अपना इंटैक्ट रखा हुआ, देखो यहाँ पर डेंट आया है
थोड़ा सा डेंट यहाँ से मुड़ा तो यहाँ पर डेंट आया है भाई। बिल्ड क्वालिटी इसको कहनी पड़ेगी एक बार मारुति बाकी में इस गाड़ी पे काम तो करने लगी है। देखो यहाँ पे हॉर्न बज रहा है बराबर, ठीक है, और देखो यहाँ से 1% नहीं डैमेज नहीं आया। देखो यहाँ से यहाँ देखो जैसे पिलर आते ना, देखो 1% डैमेज नहीं है। देखो बैगरेशन की बात करूँ गाड़ी के अंदर, बैगरेशन गाड़ी के अंदर बाकी में 100% आ चुका है, 100% बैगरेशन अलाइनमेंट बिल्कुल आउट। स्टीयरिंग फीडबैक देख सकते हो कितना खराब रही है ना, ये चीज़ है। और अलाइनमेंट बिल्कुल खत्म, टायर आपको मैंने दिखाई दी बिल्कुल खत्म, वो तो इंश्योरेंस क्लेम में कवर हो जाते हैं ना, आपको पता है अगर एक्सीडेंट गाड़ी होती है टायर वगैरह सारी चीज़ें कवर होती हैं एक्सीडेंट के अंदर ना, ये तो आप लोग भी जानते जानते हो। लेकिन गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन बाकी में बहुत ज़्यादा है मैं आप चीज़ बताऊँ, लेकिन इंजन की और चेसी की गारंटी देनी पड़ेगी गाड़ी की। भाई चेसी गाड़ी की ने बहुत अच्छा काम किया है, पिलर इंटैक्ट है, केबिन इंटैक्ट है, गाड़ी के अंदर कोई कह नहीं सकता कि अंदर से गाड़ी एक्सीडेंट में चला रहा हूँ गाड़ी को। तो भाई देखो धीरे चलोगे ना तो आपकी जान बच भी जाएगी, आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी। हालांकि ये वाली जो गाड़ी थी नॉर्मल स्पीड में थी, अब नॉर्मल स्पीड देखो इतना ही नुकसान होता है आप लोग भी जानते हो, और ग्लोबल एनसीएपी वाले भाई इतने ही स्पीड में ही टर्न लेते हैं, हाँ वो क्या कहते हैं करते हैं 60-70 की स्पीड होता है, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब दिखाता हूँ ये टायर, ये वाला टायर भी चला गया, अलाइनमेंट बिल्कुल आउट हो चुका है इस गाड़ी का, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये वाला देख सकते हो, ये वाला टायर देख सकते हो, और वाला टायर आपको दिखा दिया भाई। अब टायर कैसे खाया मैं आपको दिखा देता हूँ, इस गाड़ी का अलाइनमेंट है ना पूरा का पूरा आउट हो गया। देखो इसका लोअर कवर दिखाता हूँ आपको एक बार, लोअर कवर कैसा क्या देगा देखो एक बार, ये देखो इसका जो भाई अब अच्छी बताऊँगा आपको, ये देखो ये इसका वो अपना चैम्बर A1 रखा हुआ है, चैम्बर तक 1% भी डैमेज नहीं। ये है भाई AC की पुली, ये चीज़ है ना। डैमेज गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आया है, ना कि भाई मारुति को नुकसान इसमें हुआ है। तो आज भी कहता हूँ कि गाड़ी लेते समय ना देखो इंजन की आवाज़ सुन लेना एक बार, अब साउंड सुनो एक बार। कोई कह देगा भाई गाड़ी एक्सीडेंटल है, ट्रक में गाड़ी भिड़ी हुई है, पीछे ट्रैक्टर ने मारा उस गाड़ी को, समझो आप। तो इसी वजह से बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है भाई, इसकी जो 3 स्टार्स को मिले हुए हैं ना भाई, 3 स्टार जैसा इन्होंने काम किया है। पीछे से आपको समझ सकते हो कैसा क्या डैमेज हुआ है, देखो ये जो बम्पर है ना भाई, ये वाला जो बम्पर भाई, इसने कितना काम किया आप देख सकते हो, देखो है ना यार। कस्टमर के दिल पर क्या बीतती है आप भी जानते हो, गाड़ी ठुकती है जब, लेकिन जब कस्टमर की जान ही गाड़ी बचाती है भाई, उस कस्टमर को प्राउड फील अपना ही होता है। तो कैसी लगी वीडियो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पसंद आई हो। और कार लेते समय भाई सेफेस्ट कार अपनी लेके चलना, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप अपनी सेफेस्ट कार लेके चलोगे ना आपका ही फायदा है इसी चीज़ में। तो मिलते भी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सी यू सून, हैव अ नाइस डे।